माता शक्ति तीन गो जीव के पैदा कैले और तीनों आदमी के तीन डिजाइन से पैदा कैले, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और पैदा करके आज शक्ति माता तीनों जना के कहली कि शादी कर लो, लेकिन भोलेनाथ तोड़ गए कहली कि हम शादी करब, एक खातिर तू अपन तन बदल आ दूसरा तन में आव तब हम तरह से ब्याह करे। अब देखिए भेद एजा बा, शंकर में और शिव में बड़ी अंतर बा। शंकर माने सकार और शिव माने निरंकार, शक्ति माने निरंकार और पार्वती माने सकार। अब देखी भोलेनाथ के वजह से सृष्टि बच गई और वह माता जर के असती बन गई, सती असती बन के शिव से शादी कर लेली, सती बन के शिव से शादी कर ली। दुनिया में पहला कन्यादान राजा दक्ष के बेटी जाके हो गई, तब सर्वप्रथम कन्यादान राजा दक्ष अपना बेटी सती के महादेव के संगे कैले रहन। सती शिव जी के संगे रहे लगली, रहते 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 तब तक ले त्रेता युग के आगमन हो गई। तो शक्ति से इन्हें आगे बढ़िए भैया, बैठे दी भैया बैठे दी, कौन बात देखे बाबुल हमर ठीक बा। अब राजा दक्ष के बेटी से शादी हो गई भोलेनाथ के। एक दिन का बात हो, जब रामा अवतार होके करे त्रेता के आगमन भइल, तो भोलेनाथ सती से कहनी कि सती अब भगवान के अवतार होके आला बा, हमने के चले के राम के कथा सुनल जाओ कि राम इस दुनिया में आएंगे तो कौन कौन सा लीला करेंगे। ये बात के लिखल बावे तुलसीदास जी लिखले बानी, शंभु गए कुंभजर सिपाही संग सती जग जननी भवानी, अपूज ऋषि अखिलेश्वर जान। कुंभज बाबा के आश्रम में दोनों प्राणी गए, कुंभज बाबा अपना बिहार कर रहे वाला वो आश्रम में जब शिव जी के संगे जाता रही सती, तो इनका मन में शंका हो गई, इनका मन में जो औरत के बीमारी हो गई कि हमारा मालिक के कथा दुनिया सुने ला, आई एगो साधारण साधु को लगे हमारा के कथा सुनाओ के लिए। दोनों प्राणी बैठ के श्रोता बन के सुनाता नहीं, और कुंभज बाबा कथा के शुरू करता रहे कि ही भोलेनाथ ही माता सती राम जी दुनिया में ये का लीला करी है, और बोले ध्यान पूर्वक कथा सुनी। अरे सुना वे लगले बाबा राम के, अरे सुना वे लगले बाबा राम के, बाबा राम के कहानी त्रेता युग में रामचंद्र जई है, त्रेता युग में रामचंद्र जई है, त्रेता युग में रामचंद्र जई है, जय संगम में बारी अरे सती महारानी सुना बतानी। hey!
एहिंगन भोलेनाथ अमर निखन भइल। राम के कथा सुने खातिर श्रोता बन के बढ़ गई। सुनते सुनते सुन तनी बेसवा कर कम करी, बेसवा बेसवा कम करी। सुनते 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 कतना हजार बीत गई। ये राम ये त्रेता में राजा दशरथ के पुत्र बन के सीता से शादी हुई। सीता जी के रावण चुरा के लेके चल जाई। राम लक्ष्मण दुनु भाई वन में खोजी हैं। इतना देर ले कथा सुनने वालों तेने राम जी जन्म ले लल बड़े इलो बैठले बा। राम जी जन्म ले 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 राम जी जनकपुर में जाके धनुष तोड़ दिले। राम जी सीता के लेके अयोध्या भइले। राम जी के वनवास हो गई और सीता जी के अपहरण हो गई। इतना दिन के बाद भोलेनाथ बाबा के मठिया से निकलता नहीं। जब दंडक वन में भोलेनाथ अले इन्हें भगवान राम और लक्ष्मण सीता खातिर हुआ रहे। सीता 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 लक्ष्मण लक्ष्मण बार बार तर के कही कि सीता के देख रेख में कहिया सीता के छोड़ के तू हमरा लगे कहे हुआ। लक्ष्मण अब सीता के कहा जो हो जा कि कुटिया में नईखी प्राण प्रिय बोलाए बबुआ का होई। देखी कतना लीला से शिव जी से बिया भइल। भगवान इतना पागल बड़े। हाय सीते हाय सीते पेड़ पर चिड़ई बड़ी से चिड़ई जाके कहतन कि चिड़ई हमरा जानकी के देखलू हो तो चिड़ैया उड़ जाओ सूखल पतई उठा के ए पतई हमरा जानकी के देखल प्रभु पूछल उड़त चिड़ैया से बनावा के सुखल पतैया से तड़पे मोर जिया बोलाए बबुआ का होई। लक्ष्मण देखो कहाँ जानकी बाड़ी। हाय सीते हाय सीते हाय सीते तले फूले नाथ माता सती के संगे वही वन में आ गई। सामने जब भगवान के देखले भोलेनाथ दंडवत कैले जे ओ कथा यहाँ तक पहुँच गई बा। राम के जन्म हो गई बा आ सीता के वनवास हो गई बा अपहरण हो गई बा। आ भगवान ही ते वन में पहुँच गई बानी। भगवान जब प्रणाम कैनी ई कामना तो सती के फेरे जी शंका पैदा हो गई। कहली कि ई के ह भोलेनाथ कहने की जेकर कथा सुन के आवत अरु उहे नारायण परमपिता परमेश्वर हो गए। कहली ते ई काहे केकरा के खोजत रहे आ त जेकर मेहरारू चोरी हो गेल बे त मरत खोजी ना। कहले ते ई भगवान कैसे हुवन अगर भगवान हुवन त रुवत काहे बड़े। आ जब भगवाने होते ही घर में रारू चोरी हो गई बिया आई नखंड के मर में रारू के केले के गई बा। अब सी सती के मन में शक हो गई कि हम इकर परीक्षा ले कि नर हुमन कि नारायण हुआ। आके बोल दी रिकी भाई ऋषि भाई
उखड़ाओल गाजीपुर के माध्यम से दिल बने 205 रुपया भैया का हम बहुत बहुत प्रणाम करता नहीं। अब सोचा ली कि अभी का परीक्षा ली, भोलेनाथ जान गए कि सती के सख हो गई, ई नारायण के परीक्षा लेबे के चाहता। सती सोचली कि इनकर सीता चोरी गई बड़े, सीता ने चोरी गई बड़ी, काहे ना सीता के रूप बना के इनकरा लगे जाए। अगर असली राम हुई है तो हमारे के पहचान जे इनके नकली है कि असली है। भोलेनाथ कहले कि सती नाम अनबुत जाता रही परीक्षा लेबे। भोलेनाथ जब देख ले कि सती जाता रही सीता का रूप बना के, तब बरगद के पेड़ के नीचे बाबा आसन लगा के देखे लगले कि जाके का करो तारी बाबूआ। आई है पुरस्कार 200 रुपये मिलल, विश्वकर्मा फर्नीचर मनोज भाई सनोज भाई पुरस्कार दिल बनी भैया लोग का प्रणाम करता नहीं बाबूआ। कि मानस के भीतर वाली खोल, अरे पनवा के ऊपर हो कि अरे बरवा तरवा शिव बरल है असल में हो कि बरवा तरवा भोला बरल है असल में हो कि बरवा तरवा पुरस्कार 41 रुपया। चलिए प्रणाम करते हैं रहदा। अब भोलेनाथ असल मार के देखो तार की सती जाके का करता रही, आ सती सीता के रूप बना के राम के लोग चल देता। तो सीता जी के राम के समान राम जी के करब जचानवा, हरि जी की करब जचानवा, इहे आरमानवा बात हो रहा वाले तूफानवा, चलावा बना वाली तूफानवा, तो सीता के बता चलावा बना वाले तूफानवा, चलावा बना वाले तूफानवा, यह आरमानवा बात हो आ।
सीता के भेष बना के सती चल गली राम के लगे, और राम के लगे जब जाता रही तले लक्ष्मण के नजर पड़ल, भैया माता जानकी भगवान करे कि लक्ष्मण आराम कर आवे तो लगे आवे तो के भैया सीते तो है सीता है जानकी चोरी नहीं की गले जानकी ही दे बारी रह लक्ष्मण रह आवे दो आवे दो। जब राम के लगे आवतारी भगवान राम कहने की माता बेटा के प्रणाम स्वीकार करी रौरा अकेले वन में एगो तो हमार औरत चोरी गई है तो वन वन में रोता नहीं आ रउआ जे है वन में अकेले घूमत नहीं तो बूढ़ऊ के कौन दशा हो। राम जी कहते कि माता कहवा गवालू ये मैया आ भोला घुमाता रूह पाना ए, जब राम जी प्रणाम कनी सती के तो सती लजा के काट हो गई कह लीजिए लो हम अनिया जांचे खातिर इनका के आई तो हमरे इंटरव्यू ले रहे तैयार लजा गईली सती पी चही बन में अरे लजाई गईली सती पी चही बन में गईली सती पी चही बन में जाचे खातिर गईली अरे जाचा गईली सती पी चही अरे लजाई गईली अब सती तराग दे मुंह घुमा के चल देता रही भगवान बुझ गए कि आई रही है परीक्षा ले बे। अब भगवान ऐसा माया को नहीं है बाबूजी कि आगे सती चलो तरी देखो तरी का राम लक्ष्मण सीता राम लक्ष्मण सीता राम लक्ष्मण सीता चारों तरफ। अब एक माथा चकराए लागल तो जमीन पर बैठ गई भगवान सोचने की माता के दिमाग काम नहीं करो जब भगवान अपन माया घिचनी तो सती गई भोलेनाथ के लगे भोलेनाथ कहीं तब का भैल सती आ जाए बाबू आ जाए आ जाए आ जाए हमारे बहुत बड़ा फैन है तो मेरे छोटे भाई ना है इसलिए इनको माला से हम स्वागत करेंगे खूब बने रहिए हम राम आप भरत चली बहुत बना रही माता पिता के सेवा करत रही दी उस समय से नची हैं हर जगह के नचे और ठीक ना लगी तस्मई में नमक डाल दे तो तस्मई के बेइज्जती हो जाए ऐसे हर जगह न चिड़िया नाची तो ओकर भैलू ना रही भोलेनाथ के कथा बा अभी मैं सती के बात बात सती तो है ना जे नची है अलग से न जाए ठीक है हमार बाबू बने रही अब सती जब अली लौट के भोलेनाथ के लगे बाबा ध्यान में बैठल बानी कहने की सती का भैल कहले कि घर चली भगवान भोलेनाथ कहले कि सती अच्छा ना कैलू एक तो बाबा की यहाँ कथा सुने गई तो सक कहू और दूसरे में राम पर सक कहू और तीसरे में तू जानकी बन के चल गई आ राम जी तरह के माई कह के प्रणाम कैले बड़े तो आज के बाद पति नहीं
तुम माता हो और मैं पुत्र हूँ। भोलेनाथ बताओ तो कन अपना मन में क्रिया खा जाता रहे। तन भेट सती बनाई मन में प्रण कल की जा सती आज के बाद तरह हमारा रिश्ता समाप्त हो गया। अब बाबा आंख बन कर के बढ़ गया।